हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और माय लाइफ स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज सीन कुछ ऐसे है। अभी हम जा रहे हैं जो एक जगह है सांगली में और बहुत ही सुंदर जगह है और उसको उधर जाने के लिए आपको नाम नहीं बताऊंगा, उधर जाने के बाद ही आपको नाम बताऊंगा। और ये देखो साकरखान रोड, सांगली माधवनगर रोड है, उधर से आप माधवनगर से जाओगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखो वसंतदा शेतकरी सरकार का खाना यही है और इसके आगे बरोबर होटल था प्रदत्त करके। और इधर से सीधा जाना है, ये रोड है सांगली और माधवनगर रोड है। तो माधवनगर रोड से जो पहला जो टोल नाका लगता है तो उधर से आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपको दिखा देता हूँ, ये पेट्रोल पंप है और उसके बाजू में आपको, अगर आप सांगली से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये देखो आपको सीधा जाएंगे आप, मास्क पहनने की वजह से मुझे थोड़ा बोलने की दिक्कत आ रही है और आप देख सकते हैं कल बहुत ही हेवीली बारिश हो गई थी तो बहुत ही ज़्यादा, तो आपको देख सकते हैं इधर जो खेत में पूरे तरह से पानी भरा है इधर, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान किसान को झेलना पड़ रहा है। बारिश बहुत ही कल हुई थी पूरा, मतलब जो भी अभी जो रहेगा ना तो फार्मर्स का बहुत ही उनका नुकसान हो चुका है। अभी ये रेलवे ट्रैक आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अभी तो कोई भी नहीं है गाड़ी में और पीछे बैठा ये चला रहा है तो वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ा मतलब घर के नज़दीक है, 10 या 12 किलोमीटर है और बहुत ही सुंदर जगह है तो जाना पड़ेगा उसके लिए। देख सकते हैं पूरा पानी पानी हो चुका है पूरे खेत में और दो तीन दिन से बहुत ही जोर से बारिश हो चुकी है। पहले पूरा वीक पूरा बारिश ही था और मतलब फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। अभी मतलब फसल के बारे में कुछ नहीं बता सकते। जो धूल रहते हैं ना, धूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मास्क पहनना या सैनिटाइजर करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो भी जब भी कोरोना खत्म हो जाएगा ना तब भी ये चीज़ें चालू रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां ना वो खत्म हो जाएगी। ये देखो आई थिंक हाँ ये एक गार्डन है जब शादी वगैरह हो जाती है। इधर काफ़ी सारे गार्डन्स है इधर, और ये देखो सांगली और करना इधर आप देख सकते हैं। सीधा आप जाओगे इधर तो इधर करना आएगा सीधा अंदर और इधर सांगली मिल जाएगा आपको। तो मौजे डिग्रस और कस्बे डिग्रस, मतलब जो नदी के उस साइड है उसको बोलते हैं कस्बे डिग्रस और नदी के उस पार है तो उसको बोलते हैं मौजे डिग्रस। और कस्बे डिग्रस और मौजे डिग्रस बहुत ही फेमस है, मुझे कस्बा बावड़ा कोल्हापुर में जाओगे ये भी। और ये देखो इधर धनंजय गार्डन है, इधर भी ये भी बहुत है। इधर आप आओगे तो मतलब दो चार आपको तीन चार है ना गार्डन मिलेगी कि उधर शादी या छोटे छोटे प्रोग्राम्स वो अटेंड हो जाते हैं। तो आप भी जब भी आओगे तो देखो स्विमिंग टैंक चल रहा है तो फिर उसका भैंस का, और आपको दिखा देता हूँ ये देखो पूरा पानी भर चुका है यार, मतलब उनकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। जब भी आप कोई अगर फार्मर्स देख रहे हैं या फार्मर्स के हित में कोई देख रहा है तो आपको पता चलेगा, जो तो फार्मर्स होंगे उनको पता चलेगी जो नुकसान का होना कितना बड़ा दिक्कत होता है। देखिए ये एक साल की या छः मंथ की जो उनकी मेहनत होती है पूरी तरह से बेकार हो जाती है। जो भी मतलब जिसका वो नुकसान हो चुका है देखो अभी उनसे निकाल रहे हैं, ये देखो मतलब आप देख सकते हैं कि तब भी फार्मर्स डट के खड़े हैं, ये बहुत ही हिम्मत वाली जुटा वाली बात है। और ये लैंडस्केप है ना जो मेन तो शहर में नहीं मिल सकता, यही मिल सकता है।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और माय लाइफ स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज सीन कुछ ऐसे है। और मैं इधर आया हूँ कस्बे डिग्रीज के फाइनली ब्रिज पे आया हूँ। तो मेरा आवाज तो आपको नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा शोर है पानी की वजह से। तो जाहिर सी बात है, और पहले इधर मैं आया हूँ तो पहले मैं देख लूँ पूरी तरीके से। ज्यादा क्या होता है, जब भी हम इधर ऐसे नेचुरल पॉइंट या ज्यादा माउंटेन्स भी जाते हैं तो पहले कैमरा लेते हैं और जो मूवमेंट रहते हैं कैचअप नहीं करते। पहले आप जियो फिर आपको दिखा देता हूँ। और बहुत इधर उधर, क्योंकि मुश्किल से बहुत छोटी छोटी चीजें सामने को बेहतर और अच्छी तरह से बना देती है। तो इधर आते समय आपको मतलब 10 किलोमीटर से ही आप इधर आ सकते हैं। तो ढाई सी बात है, आपको कोई पैसे तो ज्यादा खर्च नहीं पड़ेंगे और इतना सारा आपको व्यू मिल रहा है, इतना सारा नेचर के पास जाने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो पैसे की बात भी नहीं है, आप इधर आते हैं फुल में एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी भीड़ नहीं रहती इधर, काफी मस्त है। और उधर आप बैठ सकते हैं इधर, और मतलब सेफ्टी का भी ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो आपने इधर लगाया है ना, इधर कुछ भी नहीं है। अगर उस साइड में जाता हूँ तो पानी का बहाव भी बहुत तेज है, तो सेफ्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो छोटे बच्चे हो गए तो आप उनसे मतलब ना लाए तो बहुत बेहतर होगा। तो चलो आप देखते हैं। और ये देखो फ्रेंड, इधर बहुत सारी ग्रास भी है और नदी भी है, तो आप इधर बैठ सकते हैं। और काफी आप जब आते हैं तो इधर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो खाने के लिए और पानी तो आप घर से लेके आए तो बहुत ही अच्छा है। और ज्यादा मस्ती भी ना करें और कूड़ा कचरा या प्लास्टिक इधर ना फेंके तो अच्छा। हम जाते हैं अभी घर पे जाते हैं। बहुत सारी भूख भी लगी है, तो इधर खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो भी हम जाएंगे अभी रास्ते में एक प्रदत्त करके होटल है जो सांगली सागर कारखाना के बरोबर सामने है, तो उधर जाके हम खाएंगे कुछ। तो बाकी होटल तो पूरा कोई ओपन नहीं है, आज संडे भी है और कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारे होटल्स बंद ही हो गए। तो होटल को मैं आपको दिखाने वाला खाना कैसा होगा, तो अभी के लिए हम चलते हैं। तो बाय।